सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई हम जा रहे हैं अभी फटाफट से बाल कटाने। आज का क्या सीन है? आज का सीन ये है, मे बी आज जा सकते हैं हम बाहर, क्योंकि आज संडे भी है, छुट्टी भी है, मतलब छुट्टी एज इन जिम का आज ब्रेक है। बट मैं डेडलिफ्ट मेरे को करनी होती है तो फिर मैं डेडलिफ्ट करने में जाता हूँ, देवशी से और कोई तो आते नहीं है। सो मैं डेडलिफ्ट करने जाऊँगा एंड उसके बाद शायद विंटर लाइन देखने जाएंगे शाम को, पक्का नहीं है बट हो सकता है ऐसे। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाल कटवाने, हल्की सी ट्रिमिंग चाहिए मेरे बालों में, थोड़ी बियर्ड को भी। सो मिलते सीधा अगर वो दुकान खुली होगी तो। कुछ भी पक्का नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है, सब कुछ अनसर्टेन है। तो शुरू करते हो आज का दिन। सो बाल वाल कटवा तो लिए मैंने अभी, आई होप सही लग रहे हो बाल। सो हेयर कट मैंने करवा लिया, अब आई एम हैविंग अ ब्लैक कॉफी, गर्म है। डेडलिफ्ट सेशन से पहले ब्लैक कॉफी इज स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, एंड जिम जाके भी एक जिंजर भी खाऊंगा, बॉडी भी गर्म होगी जिससे। एंड फिर आज डेडलिफ्ट करनी है, लेग्स पूरे शोर हो रखे, मतलब पत्थर हो रखे जैसे पंप के बाद होते हैं, बहुत ज़्यादा पत्थर, बिकॉज कल बहुत ही ज़्यादा इंटेंस मारी गई। सो दैट्स व्हाई अब आज का पीआर पता नहीं हिट होगा नहीं होगा, बट डेडलिफ्ट तो करनी करनी है। एंड उसके बाद शाम को हम जाएंगे मैगी पॉइंट और विंटर लाइन देखने, चलते हैं बस मिलते हैं थोड़ी देर में, फिर आपसे सीधा जिम में मिलेंगे। ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो उसके बदले भाई हम खाएंगे अदरक एज अ प्री वर्कआउट। बॉडी गर्म हो जाती है वैसे, मिर्च लगती है उसके वजह से बॉडी भी गर्म हो जाती है। इसके और भी बेनिफिट्स है भाई, सोरनेस वगैरह आफ्टर इंप्लीमेंटेशन कम होती है इससे काफ़ी, तो काफ़ी लोग इसे यूज़ करते हैं। अराउंड 5 ग्राम तो हाई रहना चाहिए, 5 से 6 ग्राम तो खा के देखते भाई इसको। एंड उसके साथ ये देखिए भाई शिला जीत भी आजकल, उसके बाद ये लेते हैं देन फिर स्टार्ट द वर्कआउट। कोशिश ये रहेगी भाई कि 230 मे बी या 240 240 तक तो एटलीस्ट पी आर अटेम्प करेंगे, बाकी देखते आगे क्या होता है। सो आज का डेडलिफ्ट सेशन भी बेकार गया भाई, पीआर तक नहीं उठा, 220 210 तक नहीं उठा भाई, 180 तक उठा, 180 के बाद मैंने मे बी इस वजह से क्योंकि कल बहुत ही इंटेंस लेग मारी हुई थी, सोने से लेग में कल की भी बॉडी रिकवर नहीं हो रही थी मे बी, देन आज भी। नेक्स्ट टाइम मैं लेग इतनी इंटेंस नहीं मारूंगा, इस बार ही मार ली, थोड़ी बहुत मूवमेंट करूँ जिसमें लोअर बैक में ना आए काफ़ी। एंड फिर मैं उसके अगले दिन फिर से नेक्स्ट वीक ट्राई करूँगा डेडलिफ्ट का। बहुत ही ज़्यादा गंदा फील हो रहा है, डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि जब पीआर भी हिट नहीं होता तो सिर्फ वही जान सकते जो लिफ्ट करते होंगे डेडलिफ्ट वगैरह, पीआर हिट नहीं होता तो मज़ा नहीं आता। चलते हैं घर, जाते हैं मैगी पॉइंट, थोड़ा मूड ठीक करते हैं भाई। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? टाइम काफ़ी हो गया भाई, अब हम निकल लेंगे सिस्टम के लिए। बीची कार्तिक अच्छा ऐसा है क्या? सो गाइस अब हम जा रहे हैं कहाँ? मुझे तो फिर पहले पहले डर लगने लग गया था जब मेरे को कुत्ते ने काटा था, बट मेरे को इसने मेरे को वापस से ट्रस्ट दिलाया गाइस, इसने मुझे क्या जिम ब्रो जिम गाइस बाहर निकलने से पहले प्रोटीन दो भाई, हमेशा साथ में ही रहता है। तूने गाड़ी चमकारी की क्या बात, मेरी तो भाई हवा टाइट ना हो जाए इसीलिए मैं स्वेटर भी खाऊँ। भाई भाई क्यों सोच रहा था दो। सो भाई अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे? वितोर भाई के यहाँ जाएंगे। असली नाम है क्या? मैं बोल रही हूँ विजय।
विजय भैया के यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से राइट है, तो उनके यहाँ जा रहे हैं, उनको उठाते हैं फिर चल रहे हैं मैगी पॉइंट या फिर जहाँ भी जाएंगे मुझे नहीं पता। उसके बाद तो देवशीष ही घुमाएगा जहाँ भी घुमाया गाड़ी शाड़ी क्यों ठीक है जहाँ टाइम पास ही तो करना है तो करेगा क्या वो की कच्चिया विंटर लाइन में तभी आ रहेगा जो गॉडफादर वाला वो पहन के गेटअप तो बढ़िया बन गई तू अब तू रुक जा बेटा अब तू रुक जा तो 500 के अब तू देख हम भी बनेंगे। तो गाइस हमारा थोड़ा सा डाबा कट गया, भैया तो बाहर पे ही खड़े थे कॉल कर रहे थे, वो मैंने देख भी ली थी पर मैंने उठाई नहीं, मैंने कहा आ ही गए अब तो सीधा उठाई देंगे, पर भैया बाहर पे थे कॉमेडी हो गई थोड़ी सी तो है पिंच यह लग रहा है भैया जींस कहाँ से ली आपने जेंस कहाँ से ली भैया हमने जेंस है भैया जींस कहाँ से ली आपने आप जाने का प्लान है आपका कभी वापस रशिया घूमने के लिए घूमने ले आना यार स्टॉक जरा कपड़े बड़े अच्छे लग रहे वहाँ के है ना अरे मैं गया डेडलिफ्ट मारने मुझसे वजन ही नहीं उठा मेरी टांगों में दर्द होने लग गया कल हैवी हो गया था ब्रो आज हैवी इंटेंस पूरी पूरी बॉडी बोल रही थी कि भाई तू रिकवरी तो हुई नहीं तू क्या मेरे गोडे किसने आ गया तू आप तो तीनों के तीनों डेनिम में आज मैं वही कह रहा था डेनिम बॉयज बॉयज गेटअप तो आपका लग रहा है प्यारा। और बताओ फिर यार क्या सिस्टम है सिस्टम बताओ ना सब हिल रखा है गैप देखो भैया की एकदम जेन्युइन पीकी ब्लाइंडर्स पीकी ब्लाइंडर्स वाली देसी पीकी ब्लाइंडर्स वो भैया की फोटो देखी जिसमें भैया ने राइफल पकड़ रखी है यही बिल्कुल उसमें बैठे हुए देसी पीकी ब्लाइंडर्स का पहाड़ी पीकी ब्लाइंडर्स पहाड़ी पीकी ब्लाइंडर्स सस्ती पीकी ब्लाइंडर्स बट उनमें किसी की पीकी ब्लाइंडर्स नहीं मैंने एक्चुअली ट्राई टू रेप्लिकेट द होल आउटलुक ऑफ तो उनकी जो हां मैंने देख लिया था वो लॉन्ग कोट ना वो नहीं वो तो ओवर कोट हुआ ओवर कोट प्रॉपर उनका जो शो है ना वो ट्वीट से बनता है उसकी पूरी पूरी मतलब थ्री पीस पूरा यू नो प्रॉपर सेट पूरा 20-25 हजार इजीली पलटन बाजार से तो अच्छा तो इस वाली टोपी का क्या नाम है ये इसको बोलते हैं रोमियो हैट तो भैया ने भी पहनी कौन सी रोमियो हैट आई गेस रोमियो हैट पर भैया ने उसका नाम चेंज कर दिया कैसनोवा हैट नहीं रोमियो हैट दूसरी होती है ये क्या कैसनोवा है पक्का नहीं इसको यार कुछ सोफिस्टिकेटेड नाम है आई कैन नॉट रिकॉल पुसियंटिंग पुसियंटर तो भैया आपको भूख लग रही है क्या बहुत खतरनाक वाली आपने कब से क्या नहीं खाया ये बताओ मैंने कल रात को खाया था 2 protein bar खाए थे बस इतना हैवी क्यों खा लिया एंड बस वो भी यार 10-10 gram प्रोटीन वाले उसके बाद से फिर वही सवेरे उठा घर आके सो गया फिर 3 बजे मेरी नींद खुली तब से मैंने खाया नहीं कुछ चलो कर ही लेता अच्छा है मेरा सर भी घूम रहा है अभी पानी नहीं पिया है पानी भी नहीं पिया मैंने तभी घूम रहा पानी है पानी तो नहीं है प्रोटीन है इसका शेक है देवशीष तेरा प्रोटीन सैक्रिफाइस कर दिया जाए एकदम रुक जा यार भाई यहाँ पर एक बार हवा छोड़ दूंगी मैं दस रुपये कैसी लगी कार तो नहीं लगी अच्छी लगी पर पता नहीं यार भाई स्किन टाइट अब तो कहाँ रहे यार नहीं भाई गेटअप है इसका बट सब पे सही नहीं लगती है बिल्ड भी तो होना चाहिए मैं सुखड़ी डंडी हूं मैं जो स्किनी टाइट कैसे लगी सुखड़ी डंडी है मेरी अबे तेरी बात नहीं कर रहा वैसे
भैया की सुखड़ी डंडी मतलब तू बेइज्जती कर रहा है भैया की। इतनी बड़ी हो गई तू? देख नहीं रहा, जान गया तू कल देख भाई। सुबह में उठा ना भाई, बहुत टाइम बाद ऐसा दर्द हुआ भाई मेरे, बहुत टाइम बाद। और यूं भाई लोथड़े लो बहन चो, जैसे जैसे काट वो नहीं, मसल काटने के बाद नहीं वो उसमें स्टिम वो बच जाता है क्या नर्व्स, उसमें तो वो अपने आप ही फड़फड़ाती है। जैसे क्रैम्प कहते हैं, नहीं नहीं अरे ऐसे मतलब हल्के से हिलाने में लप लप, हाँ लप 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 कर रही थी। मैंने कहा अच्छा मेरी काफी वो है, बढ़िया हुआ कर बल्गेरियन स्प्लिट। अगली बार वही मारेंगे यार भाई, पर नहीं अगली वाली तो लेग्स में ज्यादा इंटेंस नहीं करूंगा भाई, इंटेंस नहीं करूंगा ज्यादा नहीं यार अगले, क्योंकि डेडलिफ्ट भी तो करनी है तेरी, वो तो तेरा हुआ है ना लेग एक्सटेंशन, और बस लेग एक्सटेंशन ही करूंगा मैं अगली बारी। हाँ तो प्यार पड़ेगा पक्का, पता नहीं भाई पड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता आज हम इंटर लाइन देखने वाले हैं, क्योंकि अंधेरा तो यही होने लग गया है। क्या लगता है तुझे? तेरे को बोला तो था सीढ़ी कि जल्दी आई हो, क्या हो गया? आया क्यों नहीं तू? आई क्यों नहीं तू? क्यों नहीं आई तू? सॉरी भैया सॉरी। से हरकतें करते हैं ना जब लौटे तो मैं खून खौलता है तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी। डर गया भाई, डर गया, डर मत यार भाई, डर मत, भाग मत यार, गाड़ी से कौन चलाएगा गाड़ी, मजाक। मेरी माँ कह रही तू कहाँ जा रहा है, तू शादी में चल गया हमारे साथ। मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ भाई लौंडों के साथ। लौंडों के साथ कहाँ जा रहा है, चल शादी में चल गया ऐसे वैसे करके। नहीं मैंने कहा कहाँ जा रहेगी, मैंने कहा मसूरी के साइड जा रहेगी। अच्छा अच्छा तो हम भी तो वहीं जा रहेगी शादी में, मसूरी साइड। मम्मी बोल रही कि एक काम करना उनको लेके उधर ही आ जाना, कि तू भी प्रोटीन वही पूरा कर लेना, कि मेरी माँ बोल रही। तो क्या कहते हो गाइस चलेंगे? शादी में है प्रोटीन पूरा करने, भैया तो चल भी लेंगे, वही है कहीं नीचे आते भाई। बढ़िया है यार, पिछली बार उनकी बड़ी बेटी की शादी थी तो वो भी बहुत सही थी। नीचे से बेस बेस साइड है, ऊपर साइड है नहीं, मतलब वो डीआईटी के आसपास कहीं हो। चलना है, चल लेंगे, मेरे को कोई जरूरत है। खाना बेल के आंटी बोल रहे थे ना, तब बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ खाना बेल के, हाँ मुझे कोई इशू नहीं है। ये देखते हैं फिर क्या सीन है। भैया कहीं नहीं, अरे भैया को तो जाना भी पड़ा कहाँ? मुझे नहीं लगता, थोड़ा छुपा दो उस साइड का एंगल जो इसने भी सिग्नल दिया अच्छे खासे। तेरा तो परफेक्ट, तेरा चित्र एक्सपर्ट है अपने अपने उसके अकॉर्डिंग है कंफर्ट। बहन चो भैया क्या कर रहे, लौंडिया तो नहीं है वहां अंदर कोई? स्टॉक लेके आ रहे भैया, मुझे लग रहा है लड़कियां हैं अंदर। भैया थोड़ी देर में आता हूँ, मार दो दुरुंग जाएगी, जूस पी लूं थोड़ा, प्यास तो लगी थी। भैया कुछ महंगी बातचीत कर रहे हैं अंदर, मुझे लग रहा है ऐसा हो भी जाए ना भाई, कोई ऐसी शॉकिंग बात है। गेटोरेड लिया भैया ने एक तो, बल्ले का गेटअप तो है पर खतरनाक, ये तो मानना पड़ेगा। क्यों यार है तो सही है, जेन्युइन जेन्युइन रोमियो हैट भैया की, रोमियो हैट खतरनाक है भाई। क्या बोला था भैया ने, हैं तू एक कुछ कह रहे थे वैसे, मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे। ओके ओके ओके, शी वाज लाइक दी, वो ये गलती मेरी थी, मतलब मैं सूरत पे चला गया। क्या कहते हैं इंडियन वर्जन ऑफ सेलेना गोमेज़, ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा। और मैंने आज तक घर में कभी भी अपने मेरे घर वालों को, मतलब मेरी उसमें कभी भी किसी लड़की का नाम नहीं लिया मैंने, बट आपने उस टाइम पे ना बताया कि एक लड़की है भाई एंड शादी के लिए देसी सी है, ठीक है। तो घर वालों ठीक है, आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे? मैं अपनी सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर नहीं यार, अभी एक साल डेढ़ साल पहले की बात है। अच्छा फाइनल ईयर हो? फाइनल ईयर नहीं, मैं आई वाज इन दिल्ली, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम उस टाइम पे। तो कितना टाइम चला आपका लॉन्ग? 4-5 महीने। मैं उसको रोमांटिक नहीं, मैं उसको 3-4 साल से जानता था, बट रोमांटिकली इन्वॉल्व सिर्फ दिल्ली में हुआ था, जानता था मैं उसको पहले से। सो ऐसा क्यों होता भैया, कैसा क्यों होता है बंदा जब सीरियस हो जाता है तो? ऐसा कुछ नहीं है, गलती मेरी भी थी, दोनों साइड से होता है।
हमारी जो है किसी आई एम अ रियलिस्ट एंड शी वाज आइडियलिस्ट उसको बबल में रहना पसंद था. अब पता है हमारी बहुत चूतिया चूतिया जगह चीजों में लड़ाई होती है बहुत चूतिया जैसे मैं भाजपा वो कांग्रेस नहीं बट फिर भी एक बात तो है ना मतलब आप जैसे अभी हो वैसे ही होते तो वैसे तो इट वुड बी कंप्लीटली डिफरेंट तब मतलब चलता ना इजीली चलता क्योंकि अब आप फक नहीं देते इन सब चीजों पे इतने और जब बंदा सीरियस हो जाता है तो तब तभी होता है. आई नो व्हाट एक होता ना कि कुछ कुछ अनसन कुछ रूल्स होते हैं अनरिटन रूल्स अनरिटन मतलब तुम दैट ओनली आपको अपने दैट ओनली कम्स विद द मैच्योरिटी जब तुम यू नो यू फक अप्स तुम सीखते हो क्योंकि मैंने क्या गलत किया तुम सीखते हो तब उन चीजों से पता चलता है ये बट मतलब ये बात भी तो ठीक ही है बट आई एम वेरी थैंक गॉड मेरी उस लड़की से वर्कआउट नहीं किया थैंक गॉड आई वुड हैव बीन मिजरेबल माय होल लाइफ नाउ आई नाउ अब पता चलता है यू नो ये कुछ टाइम बाद लगा होगा ना आपको कि उसी टाइम लग गया था भाई जब मेरा ब्रेकअप हुआ था ना मैं घर गया था भाई साहब जो एक महीना था ना भैंड छोड़ अजहेल तब तो फिर जिम मार रहा था 92 केजी वेट पहुंचाया था मैंने अपना यही होता है गाइस तब उसके बाद जो है बंदा जो है हो जाता है ना बट उसके बाद आपको सेम फीलिंग आई अभी तक मुश्किल अभी नहीं ऐसा नहीं है वो फीलिंग्स है बट मेरे को वो एक सही लड़की नहीं मिलना जरूरी है ठीक है अच्छा मतलब ऐसा होना चाहिए ना यार जैसे मुझे तो ऐसा फील होता है कि मतलब वो वाली आई विल टेल यू देख मेन चीज बताता हूं मैं जिसके साथ यू नो नेचुरली चीजें हो तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत ना पड़े सब नेचुरली मतलब फोर्स नहीं करना पड़े कोई भी चीज मतलब एक हेल्दी जो फाउंडेशन होती है ये सब चीजें कुछ फाउंडेशन नहीं वो अपना समझ जाता है सब कि सामने वाले क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे ऐसा मैं तुझसे बोल रहा हूँ भाई तू कह रहा हूँ डोंट एक्सपेक्ट 20-21 साल की लड़की से व्हाट यू एक्सपेक्ट क्योंकि यार हाँ वो तो खैर मैंने ये सब सब मैं तो मैंने कि आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस आई वांट एक्सपीरियंस दैट समझ रहा ना ब्रो वो है बहुत कम लड़कियां होती है ना जो अभी से सोचती की शादी आदि करो कोई 20 साल की लड़की 20 साल की आजकल लड़कियां they don't think about their prince charming they don't think about that you know I want to get married by 24-25 sabke sab career oriented sabke sab almost to it's completely different to wo expect mat karo abhi se expectation rakhega you will be let down khair ab to maine chhod diya ab to I don't give a fuck aise matlab man hi nahi karta mera par baat to ek jo तो 20-21 साल लड़की से अभी जब शादी की बात करेगा ना वो उसी गाना अभी से उठ जाएगी अभी से दूर भागेगी समझ रहे नहीं नहीं अरे यार ऐसी बातें करता कौन है बड़ी होगी साले एक वो वाली बात होती है ना क्या कहते हैं अरे नहीं ऐसा नहीं है कि लड़कियां दे डोंट एग्जिस्ट बट दे आर वेरी रेयर नाउ तो मतलब उसमें कोई बुरा थोड़ी है बुरा है क्या उसमें कुछ बुरा नहीं है तो बस मतलब डिफरेंट टाइम्स different people different priorities are there and what if सामने वाले ने भी ऐसे वादे किए हो कि हाँ साथ रहेंगे करके हम भाई and then उसके बहुत very इसके बारे में क्या कहना है आपका success I don't know it's very realist girls are emotional being ठीक है वो तो होता ही है तो वो emotions होता है एक होता है ना कि तो उनको इमोशंस भी में कुछ भी कभी अभी कुछ बोलेगी कोई कुछ और इमोशंस होगा तभी कुछ और बोलेगी उन्हें खुद नहीं पता होता कि समझ रहा बट फिर भी गर्ल्स दे से व्हाट दे वांट दे थिंक व्हाट दे वांट एंड एक चीज होती है व्हाट दे एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू समझ रहा फ्रॉम माय एक्सपीरियंस राइट तो जा सकते हैं हम शायद अच्छा नहीं जा सकते मामला हो गया गाइस यहाँ पे ओ भाई गंदी बसड़ों में हो गई तो गाइस हम लापिनोज आ चुके हैं बिकॉज प्रिंटर लाइन तो हम गए नहीं प्रिंटर लाइन तो साइड पे ना दोनों सेम है दोनों सो लापिनोज में आ गए पिज्जा वगैरह करते भैया को लगी बहुत तगड़ी भूख सो विल ट्राई पिज्जा पहली बार मैंने तो अभी खाया नहीं लापिनोज का
एक बात है, सबने डेनिम पहनी है। इधर बैठो ना, वहां पे क्यों बैठे हो? मैं क्या नीचे बैठू? तो हम जा रहे ही में देवशी शील में तो नहीं जा रहा तुम क्या जी? हाँ ये थोड़ा ओजी उसमें वो डोमिनोज जो है वो थोड़ा ये इटालियन पिज्जा प्रॉपर जैसे बनते हैं वैसे प्रॉपर तो बहुत अलग ही बनता हुआ है। ट्राई करते भाई देन सही है। यही हम घर में मंगाते बूस हो गया होता। हाँ यही हम घर में मंगाते बूस हो गया होता गर्म है ना। तो भाई फ्रेश का एक अलग ही वो होता है। मोहन इनकी आवाज ही है भाई, मेरे पे तो सबसे बेकार वाला है। नहीं है इनके पास ये डॉक्टर है एंड बहुत सड़ी के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर जी मेरे तो अभी कम ही यार मैंने शुरू किया साढ़े पाँच सौ मोनेटाइज हो गया चैनल। अभी कहाँ होगा, 1000 में होता है मोनेटाइज तो। मुझे भी चलो क्या है भाई से गुब्बारे जरूर लेना भैया आगे। हे गाइस देख सकते हो आप इस टाइम हम मसूर रोड डाइवर्जन पे हैं। तो डाइवर्जन पे हमें भैया मिले। भैया आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? श्री नेगी ब्लॉग्स। तो श्री नेगी ब्लॉग को भाई वीडियो इनका पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा भैया के चैनल को देखोगे तभी भाई का चैनल बहुत अच्छा चलेगा। ये भाई तो मैं तो बोल रहा हूँ तुम कैमरा पकड़ो यार एक। बाकी भाई मेरा यूट्यूब चैनल है kaju.uk07। आप सब जानते ही हो कि मैं आपको हमेशा मिलता रहता हूँ मसूरी रोड मेगी पॉइंट पे मिलता रहता हूँ मैं आपको। अगर देहरादून के हो तो मिलते हो जरूर भाई, वहाँ पे साइड मैं किरिंग छल्ले बेचता हूँ भैया। अच्छा किरिंग के साइड पे मुझे जितना देहरादून। क्या नाम है चैनल का? हाँ चैनल का नाम है kaju.uk07 भैया। kaju.uk07 सही है। uk07 लगाना जरूरी है आजकल क्योंकि बाबू भैया का कैसे uk07 हो गया, वैसे हमने kaju.uk07 डाल दिया ताकि पता चले कि हाँ हम जमाल लौंडे हैं देहरादून के uk07। लाइट में आ जाओ एक बार लाइट में, ये देखो ये भाई बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है करो बिक जाएंगे सारे आज, गुड लक। कैप्चर कंटेंट खींच लिया मैंने, बोल रैपर मिल गया था भैया अभी भाई इस बंदे ने जो बातें करी है अभी खतरनाक एकदम। क्या दिया क्या तूने सब दिया ठंडा दिया क्या व्लॉग में ले लिया मैंने उसे तो भाई यार जिसके सामने जैसे उसने देखा आपने YouTube चैनल ले गया YouTube ले गया मैंने कहा हाँ भाई हाँ। तो गाइस हमने लापिनो से पिज़्ज़ो एंड केसडिया खा लिया। यही था ना केसा डीला था ना वो केसडिया कैसा दिया आपने भैया कैसा दिया भैया क्या ही सीन होगा खत्म करते अगर यहीं पे आगे होगा तो दिखाएंगे वरना। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस कैन यू गिव मी सम चलो बहुत हो गया। तो गाइस वो तो नहीं हुआ, अब हम खाने जा रहे वॉफल्स। बंद हो जाए। आपने कभी नहीं खाया क्या? नहीं कभी शौक ही नहीं है ऐसी मीठी, मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ।
क्या क्यों नहीं खाया भाई आपने? ट्राई करते हैं भाई, दिखा दे आप लोगों को। ठीक है भैया बाय, मजा आया ना? हाँ 11 बजे तक। ठीक है चलो चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, चाचा 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 कर दो चाचा। क्या क्या बोला तूने? चाचा कर दो चाचा। मैं नहीं।